अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज थर्सडे 16 जुलाई 2020। आई एम टीचिंग यू सब्जेक्ट रेडियंट रीडिंग ऑफ ग्रेड 5। हमने लेसन नंबर 30 तक अपनी सेकंड टर्म हमने स्टार्ट की थी लेसन नंबर 27 से। उसके बाद हमने अपने ट्रांसलेशन लाइंस अपनी बुक पर लिखना स्टार्ट किए और साथ में डिक्टेशन पैराग्राफ स्टार्ट किए। उससे पहले हम अपने सेकेंड टर्म के तमाम लेसन्स की पूरे पूरे चैप्टर्स की ट्रांसलेशंस, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस मुकम्मल किए थे। तो आज हम जो लेसन कर रहे हैं वो है लेसन नंबर 31, अ स्ट्रेन बैटल पार्ट 2। इसका आज करेंगे डिक्टेशन पैराग्राफ और ट्रांसलेशन। डिक्टेशन पैराग्राफ जो हमारा है वो है पेज नंबर 143 पर और ये है इट इज़ से लेकर शीप तक। तो सबसे पहले हम अपना डिक्टेशन पैराग्राफ देखते हैं, उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे इस चैप्टर लेसन की। तो आप ओपन करेंगे सबसे पहले पेज नंबर 143। तो ये है पेज नंबर 143 और ये पैराग्राफ है इट इज से लेकर शीप तक। मैं आपको एक बार पढ़कर सुनाऊंगी। पहले मैं रजिस्टर पर ये लिख देती थी, लेकिन हो सकता है उसमें पिक्सल का इशू हो, को आ रहा हो, कोई आपको समझ ना आ रही हो। इस तरह आप अपनी बुक पर हाईलाइट कर यहाँ से देख के आपको जल्दी समझ आएगी कि ये कहाँ पर है ये ट्रांसलेशन डिक्टेशन पैराग्राफ। तो आप जल्द मार्क करके अपना काम जो है आसानी से कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आज बुक से पढ़ा रही हूँ। इट इज़ द वर्क ऑफ दैट इन्चेंटर माई एनिमी ऑफ हूम आई हैव सो ऑफन स्पोकन टू यू, replied Don Quixote when at last he found his voice. He can make things seem what they are not, and he was so afraid lest I should win this battle that he changed the two armies into flocks of sheep. ये है आपका dictation paragraph। अब हम चलते हैं अपनी translations की तरफ। हमारे lesson स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 139 से। सबसे पहले आप ओपन करेंगे बुक का पेज नंबर 139, उसके लिए हम ट्रांसलेशन देखते हैं। हमारी लाइन है सबसे पहले पेज नंबर 139 की, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है आप भी ये ऐसे ही हाईलाइट करेंगे। सैंचो पेंजा स्टूड विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड। अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। सांचो पेंजा कोई लफ्ज बोले बगैर खड़ा रहा। ये मैंने जहाँ से डार्क के लिया था इसलिए वहाँ से थोड़ा गैप पे लिखे ताकि आपको नज़र आ सके सही से। अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो सुनना आपने गौर से है। सांचो पेंजा कोई लफ्ज बोले बगैर खड़ा रहा। सांचो पेंजा कोई लफ्ज बोले बगैर खड़ा रहा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट लाइन, पेज नंबर 141 पर हमारी लाइन 140 पर हमारी जो है डायग्राम है, जिसकी वजह से कोई वहां पर लाइन नहीं है या कुछ नहीं लिखा हुआ। पेज नंबर 141 है। अब दे आर नथिंग बट लैम्स एंड शिप एंड वाली लाइन है बिल्कुल यहां पर, ये देखिए यहां है इस पेज के। दे आर नथिंग बट लैम्स एंड शिप, वो भेड़ों और मेमनों के सिवा कुछ नहीं। वो भेड़ों और मेमनों के सिवा कुछ नहीं। ये है हमारी सेकेंड लाइन। अब टर्न करते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 142 पर। यहाँ पर लाइन है एट दैट इंस्टेंट अ ग्रेट स्टोन स्ट्रक हिम अ ब्लो इन द साइड। जैसे मैंने हाईलाइट की हुई आप भी ऐसे हाईलाइट करेंगे, साइड पर मार्जिन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। इस लम्हे एक बड़ा सा पत्थर उसके पहलू में आकर लगा। उस लम्हे एक बड़ा सा पत्थर उसके पहलू में आकर लगा। ये दोबारा एक बार देख लें। ये थी हमारी ट्रांसलेशंस आज की, जहाँ तक आज हक तक हमारी ट्रांसलेशंस थी और डिक्टेशन पैराग्राफ मैंने आपको पहले करवा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।